हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल पे। मेरा नाम है अमित और आज एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसकी मैंने एक टेबल भी बना दी है ताकि आपको इजीली याद हो जाए, समझ में आएगी क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल क्वेश्चन। ए क्लाइंट इज एडमिटेड एन एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद चेस्ट पेन दैट इज बीइंग रूल्ड आउट द MI, ठीक है, मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। वाइटल साइन आर फॉलो एट 11 AM। 11 AM के जो वाइटल साइन है वो है 92 पल्स, रेस्पिरेटरी रेट 24 एंड BP इज 142/88। तो मैंने लिख दिया इसको 92, 24, 180, 145/88। उसके बाद फिर दोबारा 11:15 पे किया, ये रीडिंग आई, 11:30 पे किया, ये रीडिंग आई, और 11:45 पे किया, ये रीडिंग आई। द नर्स शुड अलर्ट द फिजिशियन बिकॉज दीज चेंजेस आर मोस्ट कंसिस्टेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस क्या दर्शाएंगे, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को डिनोट करेंगे। तो देखो इसमें देखना एक बार, हार्ट रेट क्या हो रही है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रही है। रेस्पिरेटरी रेट क्या हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो रही है। और BP क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये शॉक के क्लासिकल साइन है भाई। ट्रैकिकार्डिया, ट्रैकिपिनिया और हाइपोटेंशन आर द क्लासिकल साइन ऑफ शॉक। तो आंसर तो मैं इसी से निकाल दूंगा, शायद शॉक का है, ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए औरों के बारे में। कार्डियक टेम्पोनेट, हार्ट पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है ड्यू टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जो हार्ट के चारों, हार्ट की जो लेयर है अगर उसमें फ्लूड भर जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूड जाता है, तो प्रेशर लगेगा जिसके कारण हार्ट ना तो पूरा एक्सपेंड हो पाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जब आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर कोई ब्लड का क्लोट, एयर या फैट पार्टिकल अगर चला जाता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी। चेस्ट पेन वगैरह उसका फीचर है, लेकिन BP पे, हार्ट रेट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिसेक्टिंग थोरेटिक एरोटिक एनरिज्म, एरोटिक थोरेसिक एरिया में एरोटा जो है, अगर उसका डिसेक्शन हो जाए, अगर वो फैल जाए, एरोटा फैल जाए, तो उसको बोलते हैं एनरिज्म। तो ये भी नहीं होगा, राइट आंसर है कैरोटिड, ओ कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद चेस्ट पेन एंड हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, इज स्केड्यूल फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन वुड नीड टू विद होल्ड फॉर 24 आवर बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। कार्डियक कैथेटराइजेशन से पहले और बाद में आपको कौन सी ड्रग को होल्ड करना है, तो भाई होल्ड करनी पड़ती है मेटफॉर्मिन। अगर आप मेटफॉर्मिन देते हो तो वो क्या कोज करेगा, वो लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनाएगा और लैक्टिक एसिडोसिस कोज करता है, इसलिए आपको 48 आवर पहले और बाद में कार्डियक कैथेटराइजेशन के होल्ड करना होता है, क्योंकि आप देते हो कॉन्ट्रास्ट मीडियम और कॉन्ट्रास्ट मीडियम के साथ ये रिएक्शन करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जो लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो लैक्टिक एसिडोसिस कर देगा, इसीलिए आपको मेटफॉर्मिन को होल्ड करना होगा अगर आप कार्डियक कैथेटराइजेशन करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट इज ए साइनस ब्रैडीकार्डिया, ठीक है, हार्ट रेट कम होनी चाहिए, द रेट इज 45, ठीक है, कंप्लेंट ऑफ डिजीनेस, चक्कर आना एज एंड ब्लड प्रेशर इज 80/60, कम हो रहा है, BP कम हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एंटीसिपेट विल बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। साइनस ब्रैडीकार्डिया है, हार्ट रेट थोड़ी कम है, डीफिब्रिलेट करने की जरूरत नहीं है। डीफिब्रिलेशन आप तभी तो ही कंडीशन में करते हो, या तो फिब्रिलेशन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो रखा हो या पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, उन दो कंडीशंस के अंदर आप करते हो, अदरवाइज आपको फिब्रिलेशन डिफिब्रिलेशन करने की जरूरत नहीं होती, हार्ट रेट बिल्कुल नहीं होती तब करते हैं। डिजोक्सिन एडमिनिस्टर, डिजोक्सिन, तो डिजोक्सिन पहले ही हार्ट रेट को कम करती है, तो ये तो वैसे ही होल्ड करनी है। बहुत सारे बच्चे डिजोक्सिन आंसर लगा देते हैं कन्फ्यूज होकर, नहीं भाई याद रखना डिजोक्सिन ब्रैडीकार्डिया में ब्रैडीकार्डिया कोज करती है, तो इसलिए आपको ये दवाई नहीं देनी, होल्ड करना है इसको। कंटिन्यू मॉनिटरिंग नहीं करनी क्योंकि हार्ट रेट कम हो रही है, क्या करोगे, प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। ट्रांसक्यूटेनियस मतलब वो पेस आते हैं जो ट्रांसक्यूटेनियस स्किन के ऊपर लग जाएंगे और वो हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ा देंगे, वो यूज़ करने हैं यहाँ पे, राइट आंसर है 4।
फोर, कन्फ्यूज मत होना इसमें कि कोई ऑपरेशन है, कुछ नहीं है, बाहर लगाते हैं, पेस होते छोटे छोटे पैक होते हैं वो लगाते। नेक्स्ट, ए नर्स नोट दैट द क्लाइंट विद साइनस रिदम, ठीक है, उसकी हैज़ प्री मैच्योर वेंटिकल कॉन्ट्रैक्शन दैट फॉल ऑन टी वेव दैट प्रिसीडिंग बीट एंड द क्लाइंट रिदम सडनली चेंज टू नो विद नो पी वेव, नो डेफिनेट क्यू आर कॉम्प्लेक्स एंड कोर्स वेव लाइन। कोर्स वेव लाइन मतलब ऐसी ऐसी लाइन नज़र आ रही है आपको, अगर ECG में आपको ऐसी लाइन नज़र आए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, याद रखना, इसको बोलते हैं कोर्स लाइन। ऐसे उबड़ खाबड़ लाइन जो आएगी उसको बोलेंगे, अगर कोर्स लाइन वेव लाइन अगर प्रेजेंट हो रही है, कोई QRS कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, कोई पी वेव नहीं बन रही, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। इसका ट्रीटमेंट क्या, एक बार पेपर में पूछा था कि क्या ट्रीट करोगे, ECG दिखा के, एम्स ऋषिकेश का क्वेश्चन था 2019 का, उसने ECG दिखा के पूछा था इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो ECG से पहले आपको पता लगाना था ECG किसकी है, अगर ऐसी कोर्स लाइन आ रही है तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, और इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या, इसका इलाज है डीफिब्रिलेशन, इस फिब्रिलेशन को ख़त्म करना, दैट इज़ डीफिब्रिलेशन, डीफिब्रिलेट मशीन यूज़ करके आपको उस चीज़ को ठीक करना, तो डीफिब्रिलेटर आंसर था उसका। फिलहाल आपको याद रखना है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सडनली बिकम टैकीकार्डिया, शो साइन ऑफ एयर हंगर, बिगिन कफिंग फ्रोथी पिंक स्पूटम। भाई पिंक स्पूटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, पिंक स्पूटम आ रहा है, साथ में क्रैकल साउंड आ रही है, क्रैकल साउंड ये रहा, अगर ये दोनों आ रही है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं पल्मोनरी एडिमा। विच फॉलोइंग वुड द नर्स एंटिसिपेट व्हेन ऑस्कल्टिंग द ब्रिज साउंड, अगर देखो ये चीज़ें हैं फ्रोथी है बिगिन है ये सारी चीज़ें, तो ये समझ लो पल्मोनरी एडिमा हो रखा है इसमें, और ये ज़्यादातर सर्कुलेटरी ओवरलोड या हाइपर वॉल्यूमे के कारण पल्मोनरी एडिमा होता है, एल्वोलाई के अंदर पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है, और एडिमा होगा तो दो फीचर्स आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, क्रैकल साउंड और पिंक कलर स्पूटम। ये नहीं स्ट्राइडोर नहीं मिलेगी, हॉर कोर्स जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा शार्प ऐसी नहीं मिलेगी, रोंची नहीं मिलेगी, ब्रिज साउंड कम नहीं होगी, क्या होगा क्रैकल साउंड आपको देखने को मिलेगी। राइट आंसर सेकेंड, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है पल्मोनरी एडिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज डेवलपिंग कार्डियोजेनिक शोक, ठीक है, हार्ट के कारण मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया, बिकॉज द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स केयरफुली अस द क्लाइंट, ठीक है, कार्डियोजेनिक शोक हो गया, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है, तो क्या करोगे, इन चारों में से क्या आंसर होगा, तो शोक का ही फीचर की बात हो रही है, अगर आपको उस कार्डियोजेनिक शोक में कौन सा फीचर आएगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है, किस फीचर को आपको नोट करना है, ब्रेडिकार्डिया नहीं, टैकीकार्डिया होता है, शोक के तीन फीचर्स टैकीकार्डिया, वेंट्रिकल डिसरिथमिया वो अभी देखने को नहीं मिलेगा, वो लेट साइन है, अभी नहीं आएगा, ठीक है, कार्डियोजेनिक शोक में तो नहीं होता। तीसरा, राइजिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी लो रहेगा, बीपी लो रहेगा, सेंटर वीनस प्रेशर फॉलिंग, देखो ये आ गया ना, प्रेशर कम हो रहा है, तो राइट आंसर फोर, ये भी एक टाइप का बीपी है, सेंटर वीनस का प्रेशर है, कम होगा, ये ज़्यादा हो रहा है इसलिए आंसर ये नहीं है, ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए, तो ब्रेडी नहीं ट्रकी गाड़ी होना चाहिए, ये नहीं है, तो राइट आंसर है फोर। नेक्स्ट, ए क्लाइंट हु हैड कार्डियक सर्जरी 24 आवर एगो हैज़ यूरिन आउटपुट 20 ml फॉर 2 आवर, ठीक है, द क्लाइंट रिसीव सिंगल बोलस 500 ml ऑफ IV फ्लूड, ठीक है, यूरिन आउटपुट इज सब्सिक्वेंट 25 ml, 20 से 25 हो गया, डेली लेबोरेटरी रिजल्ट इंडिकेट द ब्लड यूरिया लेवल इज 45, क्रेटिनिन लेवल 2.2, दिस फाइंडिंग के आधार पर आप क्या कहोगे, क्या चीज़ें, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मतलब BUN 10 to 20 नॉर्मल वैल्यू होती है, बुक में 8 to 25 भी लिखी हुई है, वो भी आप मान सकते हो सही, ठीक है, लेकिन आजकल नई जो वैल्यू है वो 10 to 20 है, तो अगर आपको 10 to 20 मिले वो भी सही है, और ये मिल जाए पुरानी बुक्स के आधार पे तो ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, mg/dL ये पीछे लग गया, तो इन दोनों में से कोई भी हो आंसर आप मान लोगे, ठीक है, फिलहाल ये यूरी BUN जो है वो कितना है 45, तो ज़्यादा है, यूरिया
12 से 20 होता है, ठीक है, ये याद रखना। क्रेटिनिन वैल्यू 0.6 से 1.2 होती है, क्रेटिनिन कितना 2.2। ये सारी वैल्यू इंक्रीज है, और ये सारी वैल्यू इंक्रीज है, ये किडनी फेलियर का साइन है। किडनी फेल के अंदर किडनी अगर सही तरीके से काम नहीं करती, तो ये किडनी फंक्शन टेस्ट में तीन चीज़ें चेक करते हैं, अगर इनकी वैल्यू बढ़ी हुई है तो मान लेंगे किडनी फेलियर है, ठीक है, हाइपोवोलेमिया नहीं है, ये इसमें ये वैल्यू हाइपो हाइपोवोलेमिया भी नहीं है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी नहीं है, यूटीआई भी नहीं है, फीवर वगैरह भी नहीं है, और यूरिया क्रेटिनिन ऐसी चीज़ें बढ़ रही है, तो सबसे पहली आपकी चॉइस रीनल कंडीशन से है कि रीनल कंडीशन सही तरीके से नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर है एक्यूट रीनल फेलियर। ये बार बार आपको फिक्स ही आंसर है, फिक्स याद रखना पड़ेगा। द नर्स इज रिव्यूइंग एन ईसीजी रिदम स्ट्रिप एंड द पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आर रेगुलर, ठीक है, पी आर इंटरवल इज 0.16 एंड क्यू आर कॉम्प्लेक्स इज 0.06 सेकेंड, द ओवरऑल रेट इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड करेक्ट इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स। इनके आधार पे ये रीडिंग क्या है, साइनस ब्रैडीकार्डिया, क्या ये हार्ट रेट कम हो रही है, तो हार्ट रेट कितनी है हमारी 64, तो 60 से कम होता तब होता, तो ये तो नहीं है। सिक साइनस सिंड्रोम, तो सिक साइनस मतलब कुछ ना कुछ साइनस सिंड्रोम आएगा, मतलब जब आपकी ये रिदम जो सही नहीं आ रही, पी आर इंटरवल, ये इंटरवल चेंज हो रही तब है। फिलहाल इन इंटरवल की बात कर लेता हूँ एक बार मैं, जो ये पी आर इंटरवल है, ये पी इस वेव से लेके यहाँ तक की बीच का टाइम है, उसको बोलते हैं पी आर इंटरवल, और ये 12 से 20 सेकेंड होता है, जितना यूरिया नहीं था 12 से 20 उतना ही है, पर ये 0.12 से 0.20 सेकेंड है। दूसरी बात, पी आर इंटर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इस क्यू आर एस के बीच का जो लेंथ है वो है क्यू आर एस छोटा होता है इसके मुकाबले, तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन वो है 0.08 से 0.1610, करीबन नॉर्मल ही है, ये भी नॉर्मल के आसपास ही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन नॉर्मल साइनस रिदम है, सब चीज़ें नॉर्मल है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक नहीं है, मतलब हार्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट की रिदम डिस्टर्ब नहीं हो रही, रेट डिस्टर्ब नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल मिलेगी आपको, तो राइट आंसर है नॉर्मल साइनस रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज़ वेयरिंग ए कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर विच बिगिन टू साउंड इट्स अलार्म, ठीक है, कार्डियक मोनिटर पहना हुआ है और वो अलार्म कर रहा है। नर्स सी नो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक कॉम्प्लेक्स ऑन स्क्रीन, ठीक है, कोई कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियो कॉम्प्लेक्स में कोई दिक्कत नहीं आई, तो क्या करोगे, कोड फॉर ब्लू नहीं करना, ये कब करना है जब हार्ट रेट शो नहीं हो, कॉल द फिजिशियन ये भी नहीं करना, ये भी अब नॉर्मल है, चेक द क्लाइंट स्टेटस, लेड लीड प्लेसमेंट ये आप कर सकते हो, या प्रेस द रिकॉर्डर बटन ऑन द ईसीजी, रिकॉर्डर बटन दबाने से पहले एक बार चेक कर लो लीड का प्लेसमेंट की अलार्मिंग क्यों हो रही है, ठीक है, तो राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट, ए नर्स इज वॉचिंग द कार्डिक मोनिटर नोटिस एंड दैट द रिदमिक सडनली चेंज, देर इज नो पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज वाइड, वाइड कॉम्प्लेक्स आ रहा है और वेव नहीं आ रही, जो आपकी हर्ट रेट है मतलब वेंट्रिकल रेट है वो मोर देन 100 है, ठीक है, 100 से ज़्यादा आपकी हार्ट रेट आ रही है, वेंट्रिकल रेट आ रही है, पी वेव प्रजेंट नहीं है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स वाइड, तो ऐसा आपको ई सी जी का ग्राफ देखने को मिलेगा, ई सी जी का ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर ऐसा ई सी जी का ग्राफ देखने को मिलता है, ये है वेंट्रिकल ट्रैकी कार्डिया, ठीक है, ये है वेंट्रिकल ट्रैकी कार्डिया, ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थैंक यू वेरी मच।